हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य अपनी चर्चा मेलापक पे चल रही है। मेलापक में योनि विचार, योनि विचार पे भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगली योनि आपकी मृग योनि आएगी। तो योनि 84 लाख योनियाँ इस ब्रह्मांड में बनी हुई हैं, उसमें से मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है, क्योंकि हम यहाँ से देवत्व की ओर भी जा सकते हैं और नीचे जाके राक्षस भी बन सकते हैं। तो आपके नक्षत्रों के आधार पर आपको और योनि प्रदान की गई है। मानव योनि के साथ साथ आप किस योनि में पैदा हुए हैं या आपके नक्षत्र बताएंगे। 28 नक्षत्रों को देखते हुए 14 तरह की योनियां बनी हैं। प्रत्येक नक्षत्र को एक एक योनि दी गई है। इसका मतलब एक योनि दो नक्षत्रों के पास रहेगी, दो नक्षत्रों में एक जैसी योनियां आपको दिखाई देंगी, लेकिन उसका प्रभाव भी अलग अलग रहेगा। तो मृग योनि ज्येष्ठा और अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं तब आपकी मृग योनि है, और अनुराधा नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं तब भी आपकी मृग योनि है। इसमें योनि के साथ एक सकारात्मक बिंदु या आपका प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है कि ज्येष्ठा और अनुराधा दोनों बढ़िया नक्षत्र हैं, साथ में ये दोनों वृश्चिक में ही हैं। तो वृश्चिक में है तो मंगल जैसा स्वभाव ही दोनों को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि और में जैसे और नक्षत्रों को हमने देखा तो वहाँ पे कन्या का भी मिल रहा है, तुला का भी मिल रहा है, वृश्चिक का मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ वृश्चिक का ही आपको मिल रहा है। अब मृगेश्वरा को देखें और मृग योनि को देखें तो ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का प्रभाव आपको मिलेगा। इसका जो प्रतीक देखेंगे कुंडल और हार जैसा प्रतीक है, इंद्र इसके देवता है, और ये नक्षत्र जो है ना बड़े भाई की भूमिका निभाता है। ज्येष्ठा ज्येष्ठ जैसा, अपने यहाँ ज्येष्ठ क्या बोलते हैं, बड़े भाई, तो बड़े भाई जैसा इसका व्यक्तित्व होता है। जिस मतलब इस योनि में जो लोग पैदा हुए हैं उनका व्यक्तित्व थोड़ा विराट होगा, लोग सबको साथ लेके चलने की भावना से ओतप्रोत होगी, या ऐसे लोगों के साथ बचपने में ही जिम्मेदारी ऐसी आ जाती है कि वो बड़े हो जाते हैं। कम उम्र में ही कुछ लोग बड़े हो जाते हैं, वो इसी नक्षत्र में पैदा होते हैं या इसी योनि में पैदा होते हैं। तो यह योनि आपको बड़प्पन सिखाती है, जिम्मेदारियों का वहन करना सिखाती है। वो परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट हो गई हैं इसलिए आप बड़े हो गए हैं, ये आपका नक्षत्र आपको बड़ा बना रहा है, ये आपकी कुंडली बताएगी। अनुराधा, अनुराधा क्यों नहीं साधा, अनुराधा नक्षत्र उपासना का नक्षत्र है, साधना का नक्षत्र है। तो यहाँ पे लोग साधक होते हैं, उपासक होते हैं, प्रेमी होते हैं। इसके जो देवता हैं मित्र हैं, तो सबसे मित्रता करना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, इनके स्वभाव में होता है मित्रों के साथ उठना बैठना। स्वामी शनि है तो शनि कर्तव्य पथ पे भी आगे बढ़ाने का कार्य करता है। प्रतीक जो है इसका कमल और दंड जैसा है, कमल स्वच्छता, धवलता, सुंदरता, ठीक है, इन सारी चीजों का प्रतीक है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं चाहूँ तो दो लाइन में आपको योनि पे बता के खत्म कर दूँ। तो वीडियो आपको 4-5 मिनट का मिल रहा है, इसका मतलब ये कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप किसी योनि को पकड़ना चाहते हैं तो नक्षत्रों को पकड़िए, नक्षत्रों के प्रतीकों को पकड़िए, देवत्व को पकड़िए, वो क्या कहना चाहता है, उसके मूलभूत स्वभाव को पकड़िए। जब आप स्वभाव को पकड़ लेंगे तब आपकी जो फलादेश होगा वो सटीक होगा, इसलिए आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जब ज्येष्ठा नक्षत्र होगा थोड़ा स्वभाव दूसरा होगा, बड़प्पन आएगा, अनुराधा होगा थोड़ा प्रेम ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों चरणों में, दोनों नक्षत्रों में एक ही योनि बनेगी, लेकिन दोनों का प्रभाव अलग अलग होगा। 8 तरह का प्रभाव तो आपको इस योनि में मिलेगा ही मिलेगा। चलिए इसका प्रभाव क्या है, तो प्रभाव में कोमल हृदय, कमल जैसा है तो कोमल हृदय होगा, विचार जो होंगे नम्र होंगे, व्यवहार सबसे बना के रखेगा, प्रेम पूर्ण होंगे, जल्दी किसी को कट नहीं बोलेंगे, जिम्मेदारियों का वहन करना इनके स्वभाव में होता है, दूसरों के परेशानियों में भी ये लोग सपोर्ट करते हैं, शांत मन होते हैं, इनके जो विचार होते हैं वो ज़्यादातर बहुत पॉजिटिव विचार होते हैं, और कोशिश इनकी ये रहती है कि सत्य बोला जाए, और इसी सत्य बोलने में कभी कभी ये तनाव भी ले लेते हैं या परेशानी में पड़ जाते हैं। आस्थावान होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, बहुत बंध के काम करना नहीं आता, क्योंकि मंगल की वृश्चिक राशि का प्रभाव है, तो मंगल बहुत दबता नहीं, एक लिमिट तक दबते हैं उसके बाद विद्रोही हो सकते हैं। चंचल हैं, प्रेमी हैं, इस नक्षत्र के साथ एक बहुत नकारात्मक चीज़ है। आप देखेंगे ना, इस नक्षत्र के लोगों को जो है शारीरिक सुख की प्राप्ति सर्वाधिक मात्रा में होती है इस योनि वालों को, नक्षत्र को नहीं योनि वालों को। लेकिन इस योनि में एक नकारात्मक चीज भी है, कहीं ना कहीं धब्बा लगता है, ठीक है ना, धब्बा कहीं ना कहीं लगता है,
मृग योनि, थोड़ी चंचलता है, थोड़ा प्रेम है। और जब आप कभी न्यूज देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो जो बच्चे कम उम्र में छेड़खानी के शिकार हो जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते, वो भी कहीं ना कहीं इसी योनि से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। इसी की वजह से उनके साथ कहीं ना कहीं दाग लगने की अवस्था इस नक्षत्र इस योनि में आती ही आती है। चलिए, अब अगर मृग मृग की युति है तो आपको क्या है, 100% शारीरिक सुख यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अगर आप आपका जीवन साथी और आप दोनों मृग योनि में हैं तो शारीरिक सुख आपको बहुत मिलेगा, इतना मिलेगा कि आप कहीं इधर उधर आंख उठा के नहीं देख सकते। अश्व है, मार्जार है और गौ है, तो आपको लगभग 75% माने बहुत है, 75% बहुत होता है, इतना आपको शारीरिक सुख मिलेगा, माने शारीरिक संतुष्टि आपको जितना आपको चाहिए उतना मिलेगी। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसके अलावा गज है, मेष है, सर्प है, मूषक है, महिष है, बानर है, नकुल है, व्याघ्र है, सिंह है, यहाँ पे आपको जो है ना प्रतिशत घट जाएगा। यहाँ पे आपके प्रतिशत क्या होगा, नकुल तक आपके प्रतिशत 50% ही रह जाएगा, और जहाँ पे व्याघ्र आ जाएगा, सिंह आ जाएगा, वहाँ पे 25% ही आ जाएगा, क्योंकि गाय को बाघ और सिंह दोनों खा जाते हैं, शत्रु योनि हो जाती है। और स्वान में 0% आ जाएगा, कुत्ता क्या है, हिरण को नोच डालेगा, तो वहाँ पे शारीरिक सुख 0% हो जाएगा। और सिंह में, व्याघ्र में, क्योंकि सिंह और व्याघ्र मृग को खा जाते हैं, तो अगर आपके जीवन साथी की ये योनि है, आपकी ऐसी योनि है, तो फिर एक दूसरे से आप क्या है, खूब लड़ाई करेंगे, प्रेम की जगह लड़ाई। लेकिन अगर आप मृग में ही हैं तो प्रेम आपका बहुत ज़्यादा होगा, साथ में गज में, मेष में, सर्प में है, तो भी आपको प्रेम या शारीरिक संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी। योनि के विचार है वो फिजिकल रिलेशन के लिए, शारीरिक संतुष्टि, काम वासना की पूर्ति, क्योंकि काम ही तो है जो दूसरे को ढूंढ के आपके सामने खड़ा कर रहा है। हमारे शास्त्रकारों ने समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए उसको ऐसी विधा दे दी कि हम धर्म अर्थ काम मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यह पूर्णतया काम के लिए ही है, काम को एक सही दिशा देने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कितने प्रतिशत आपको काम की पूर्ति हो रही है, फिर चर्चा करेंगे अगली योनि पे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि जानकारी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस जानकारी को दूसरों को भी शेयर करें। राधे।